राजगढ़ जिले से बड़ी खबर, जीरापुर में हो रही अवैध वसूली, रसीद पर 5 रुपए है और दुकानदारों से लिए जा रहे हैं 50 रुपए। तो भाई रसीद पर 30 रुपए है और दुकानदारों से वसूले जा रहे हैं 50 रुपए। जीरापुर नगर परिषद कर रहा है अवैध वसूली, नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस ओर कोई ध्यान। दीपावली के त्योहार को लेकर गरीब दुकानदारों को लूटा जा रहा है, नगर परिषद सरासर अन्याय कर रहा है। जब इसकी जानकारी हमने तहसीलदार साहब व जीरापुर CMO साहब जीरापुर को अवगत कराया तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि देखते हैं, सबूत देने की बात भी वहां नहीं देख रहे हैं जब तक कि गरीबों की दुकान ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी लूट मार बंद नहीं हो रही है। आखिरकार ऐसी धांधलीबाजी कब तक चलेगी? गरीबों के साथ जवाबदेह जिम्मेदार अधिकारी, पूरा सिस्टम करप्ट हो रहा है और अधिकारी अपना त्योहार मना रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय करता ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके भारतीय किसान यूनियन इसका घोर विरोध करती है। निंदनीय विषय केवल सिंह तोमर के द्वारा जानकारी दी गई, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक जीरापुर। राजधानी समाचार से संवाददाता सुनील सोने की खास रिपोर्ट। आपने कितने दिए? 100 का नोट दिया मैंने। 100 का नोट दिया, रसीद कितने की देके गया? 50 रुपए की। 30 की? 30 की है, मैंने 50 लिया, उन्होंने 30 लिखे मेरे। और आपने 100 रुपए दिए थे? 100 का नोट दिया, तो आपने 50 वापस दे दिए और 30 रुपए की रसीद दे दी, मतलब 20 रुपए आपसे ज्यादा लेके गया। मैंने सोचा मैंने 50 चले वो रसीद, पर रसीद पर तो आपको 30 ही तो देके गए हो। हाँ, 30 ही देके गए रसीद तो। 50 का नोट, आपका 20 रुपए ज्यादा लेके चले गए। नमस्कार साथियों, जो दीपावली के टाइम पे आज किसानों के और गरीब मजदूर दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी जानकारी हमें अभी मिली, क्योंकि जीरापुर में जो स्टेडियम के पीछे दुकानें लगी हुई है वहाँ पे नगर पंचायत अवैध वसूली कर रही है, 5-5 रुपए की पर्चे दे रही है और 50-50 रुपए ले रही है, किसी दुकानदार को तो पर्ची भी नहीं दे रही है, फर्जीवाड़ा कर रहे। जब इसकी जानकारी हमें लगी तो हमने CMHO साहब को अवगत कराया, बोले कि जानकारी लेता हूँ, जांच करवाता हूँ। भाई 4-5 दिन का उनकी दुकानें लगी हुई है और आप जांच करवाओगे, कब तक किसानों और गरीब दुकानदारों को लुटवाओगे? इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन आगे रह के गरीब मजदूर दुकानदारों को लुटा रहा है। प्रशासन को हम कई बार आगाह भी कर चुके हैं कि आप किसी राजनीति के दबाव में आके काम ना करें, सिर्फ गरीब किसान और मजदूरों का ही काम करें, क्योंकि प्रशासन पूरा करप्ट हो रहा है और प्रशासन को सिर्फ राजनीति के दलालों नेताओं की गुलामी करना चाह रहा है। मैं प्रशासन के तमाम अधिकारियों को आगाह कर रहा हूं कि आप सरकार के नुमाइंदे बन के काम ना करें, सिर्फ किसान और गरीबों का काम करें। इसलिए मैंने इस चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब को भी फ़ोन पर अवगत करवाया है और तहसीलदार साहब को भी करवाया, बोले कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई कब करोगे? किसान और दुकानदार 2 दिन में अपनी दुकानें समेट लेंगे। फिर मैं प्रशासन के अधिकारियों से हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ कि जो नगर पंचायत के दोषी अधिकारी है उन पर तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जय जवान जय किसान साथियों। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।